हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग ऑनलाइन फोटो एडिटिंग कर पाओगे, वो भी गाइज वन क्लिक में एकदम 100% रियल फोटो एडिटिंग। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो गाइज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आज की वीडियो गाइज पूरा एंड तक आप लोगों को देखना होगा, तभी आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। एंड गाइज आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो भाई वीडियोज को एक लाइक करके चैनल को भी यार जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी यार प्रेस कर लेना। तो भी गाइज चले फिर जल्दी से कमाल की वीडियो के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आप लोग देख सकते हो मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर ओपन हो चुका हूँ। तो भाई वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज आपको बता दूँ आज की वीडियो को आप लोगों को पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आप लोग सीख पाओगे, ठीक है। तो गाइज मोबाइल को आपको रोटेशन मोड करके आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, ठीक है गाइज। तो गाइज आप लोग मोबाइल को रोटेशन मोड करके वीडियो को पूरा एंड तक देखो, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जैसे कि गाइज आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्रोम जो ब्राउजर आप लोगों को दिख रहा है ना, जैसे कि गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो आपके फ़ोन के अंदर तो क्रोम ब्राउजर होगा ही होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर को यहाँ से आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सर्च बार के अंदर आपको सिंपली टैप कर लेना है। एंड सर्च बार के अंदर टैप करने का आपको सर्च करना है photopea.com। जैसे कि भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यह दो नंबर पर जो वेबसाइट आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये वाला वेबसाइट, तो यहाँ पे इसी को आपको सर्च करना है। तो सिंपली इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको आपको सर्च करना है, इसके अंदर मैं टैप करूंगा। टैप करने का जो फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि भाई आप लोग देख सकते हो यही वाला वेबसाइट है photopea.com। तो इसी के अंदर आपको सिंपली ओपन होना है, ठीक है। तो मैं सिंपली ऐसे ओपन कर लूंगा वेबसाइट को, तो यहाँ से ओपन करूंगा देन कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को देखने को तो मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइज। तो गाइज आप लोगों को सिंपली गाइज यहाँ पे क्या करना है बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइल का ऑप्शन आप लोगों को देख रहा है ना ऊपर की तरफ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसी फाइल के अंदर जाके आप लोगों को फोटो वगैरह को ऐड करना है। तो फोटो को कैसे आप लोग ऐड करोगे आपको बता देता हूँ। आपको फाइल के अंदर टैप करके आपको यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखते हैं ओपन के अंदर आपको सिंपली गाइज यहाँ पे टैप कर लेना है, जैसे कि गाइज आप लोग देख सकते हो। तो इसके अंदर टैप करूँगा एंड टैप करने का जब फाइल खुल के आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो फाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो इसके अंदर मैं सिंपली टैप करके जो मतलब जो फोटो है उसको सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हो मैं वेबसाइट के अंदर ओपन हो चुका हूँ एंड वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा आप लोगों को, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो फोटो को कैसे आप लोगों को एडिट करना है, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 3 डॉट लाइन जो आप लोगों को दिख रहा है ना, जैसे कि गाइज आप लोग ध्यान से देखने यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 डॉट लाइन के अंदर आपको सिंपली टैप करके वन क्लिक में आपको फोटो को एडिट करके देगा। तो आप लोग कैसे करना है, इस 3 डॉट लाइन के अंदर आपको सिंपली टैप करके आपको यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो कैमरे के बिगल मतलब बगल में जो यहाँ पर सर्कल आप लोग सर्कल जो दिख रहा है ये वाला सर्कल, तो इसी का सर्कल के अंदर आपको सिंपली टैप कर लेना है। तो टैप करूँगा सिंपली यहाँ पे एंड टैप करने का थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके आपको जैसे कि आप लोग देखो कलर लुक ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे कलर लुक, तो इसके अंदर ही आपको सिंपली गाइज यहाँ पे टैप कर लेना है। तो सिंपली टैप करूँगा एंड यहाँ पे सिंपली टैप करेगा थोड़ा सा टाइम लेगा, तो टाइप लेने का आपको यहाँ पे जैसे कि आप लोग ये वाला बिंदु आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे साइड में, इसी के अंदर आपको सिंपली टैप कर लेना है, ठीक है। तो टैप करने का कुछ इस प्रकार से आपको साइड में क्लिक करके आपको जो थर्ड नंबर पर ये वाला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है लॉक, यहाँ पे जैसे कि आप लॉक बोल के लिखा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसी के अंदर आपको क्लिक करके वन क्लिक में आपको जो एडिटिंग करना है जैसे कि आप लोग को बताता हूँ गाइज अभी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं टैप करूंगा यहाँ पे सिंपली गाइज यहाँ पे टैप करूंगा इस ऐप के अंदर एंड टैप करने के बाद गैलरी खुल जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो। फाइल के अंदर जाके जो मैं सिंपली फाइल के अंदर मैं टैप करूंगा एंड गाइस यहाँ पे टैप करने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो आर्ट मतलब जो है मतलब यहाँ पे जो आर्ट पीस है आप लोग को देखने को मिल जाएगा, इसको आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो इसी की मदद से आप लोग वन क्लिक में फोटो एडिटिंग कर पाओगे। आप लोग मतलब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अभी कैसे आप लोग एडिट करोगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आर्ट जो मतलब यहाँ पे जो मतलब प्रीसेट है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा यहाँ पे येलो टोन का जो प्रीसेट आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पे लास्ट में, इसी के अंदर आपको सिंपली टैप कर लेना है। तो मैं येलो टोन के अंदर सिंपली मैं येलो कलर करूँगा, तो येलो टोन के अंदर टैप करूँगा, यहाँ पे लोडिंग वगैरह चालू हो चुका है, यहाँ पे आपको ओके ओके करना है, ठीक है। ओके करने का यहाँ पे एडिटिंग करना स्टार्ट हो चुका है, अभी देखना वन क्लिक में एडिटिंग होकर आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते एडिटिंग तो हो चुका है, बैक करूँगा देख सकते भाई बूम एक ही क्लिक के अंदर फोटो कितना बेहतरीन तरीके से एडिट हो चुका है ऑनलाइन के हेल्प से। जैसे कि भाई आप लोग देख सकते हो फोटो देखने में कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फोटो एकदम मक्खन सा लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब व्हाइट बार सा आ गया, तो इसको आप लोग क्रॉप कर लेना, तो क्रॉप के यहाँ पे जो मतलब क्रॉप नहीं होगा। तो आपको देखा था फोटो कितना अच्छा तरीके से कितना अच्छा तरीके से एडिट हुआ है, आप लोग देख ही सकते हो भाई बिफोर कैसे था एंड आप लोग देख सकते हो भाई कितना अच्छा तरीके से एडिट हुआ है, आप लोग फोटो देख ही सकते हो। तो गाइस इस वेबसाइट के अंदर एकदम फ्री में आप लोग एडिटिंग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होगा। जैसे कि भाई आप लोग देख ही सकते हो फोटो देखने में कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। एंड गाइस फोटो कैसे आप लोग सेव करोगे वही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फोटो सेव करने के लिए आपको सिंपली गाइस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो अगेन जो फाइल का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है ऊपर की तरफ, इसी फाइल के अंदर आपको सिंपली अगेन यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा है, एक्सपोर्ट AS बोल के लिखा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। इसके अंदर आपको सिंपली टैप करना है एंड टैप करने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे JPG का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है,
तो जेपीजी के अंदर आपको सिंपली टैप करना है, ठीक है। तो जेपीजी के अंदर टैप करूंगा एंड टैप करने का थोड़ा सा ऐड वगैरह आ सकता है इस वेबसाइट के अंदर। तो पहले आपको बता देता हूँ, ऐड को आप लोग स्किप कर लेना। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो सेव के अंदर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। एंड अगेन आपको क्या करना है, आपको सेव के अंदर अगेन आपको यहाँ पे सिंपली टैप करके आपको ओके कर देना है। थोड़ा सा ऐड वगैरह आ सकता है, इसको आप लोग स्किप कर देना। जब ऐड आ चुका है तो यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू के अंदर आपको क्लिक करके आपको ऐड को वॉच करना है, देन आपका फोटो जो है मतलब सेव होके आ जाएगा। तो गाइस आप लोग को ऐड को वॉच करने के बाद देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, तो डाउनलोड के अंदर टैप करना है। यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है, देन आपको सिंपली ओपन के अंदर टैप करना है, ठीक है। तो ओपन के अंदर टैप करने के बाद देख सकते हो फोटो हमारा एकदम रेडी हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे व्हाइट एक आउटलाइन आ चुका था, इसको आप लोग क्रॉप मतलब कर लेना, ठीक है। तो आप लोग को साइड अगर आता है तो आप लोग क्रॉप कर लेना, मेरे वजह से आ चुका था, इसको मैं क्रॉप कर लूँगा। एंड देख सकते हो फोटो देखने में कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। अगर इससे भी अगर आपको थोड़ा बहुत और एडिटिंग चाहिए तो आप लोग पिक्सआर्ट की मदद से थोड़ा बहुत आपको खुद से मतलब खुद के मुताबिक से आप थोड़ा बहुत रिचिंग मतलब रिडिचिंग वगैरह कर लेना बैकग्राउंड में, तो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो भाई फोटो देखने में कितना अच्छा लग रहा है आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है गाइज। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर गाइज इतना ही था। तो वीडियो आपको पसंद आया तो भाई वीडियोस को एक लाइक करके चैनल को भी आज जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट और धमाकेदार एक टॉपिक के साथ गाइज। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, अपना ख्याल रखना।